आज इस महंगाई के दौर में लोगों को अपने बच्चों का लालन पालन करने में भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, लेकिन राजस्थान के भरतपुर शहर में किन्नर समाज की मुखिया 69 साल की नीतू मौसी, जिन्होंने हर साल की तरह इस साल भी 8 हिंदू और 2 मुस्लिम, कुल मिलाकर 10 गरीब घरों की लड़कियों की शादी कराई है। भरतपुर के किन्नरों ने समाज में एक अनूठी मिसाल कायम की है, क्योंकि पूरे साल इस किन्नर समुदाय के द्वारा जो भी कमाई की जाती है, उस कमाई को हर साल गरीब हिंदू मुस्लिम गरीब लड़कियों की शादी के लिए खर्च कर दिया जाता है। सम्मेलन है और 10 बच्चियों की शादी है इसमें। पहले 12 हो गए, उनमें भी सब में 10-10 बच्चियों की शादी हुई। कितनी बच्चियों की अब तक कर अब 130 हो गई, और एक एक दो दो भी करी 5-4। पहले ट्राई उनसे ही करी, जब वो हो गई हिम्मत बंद गई तो फिर 1-4 की करी, फिर 10 की करी। अब ये 13 साल से ईश्वर की कृपा हो रही है, शहरवासियों की कृपा हो रही है, तो 10 की हो रही है। कितने इसमें हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं? आपकी साल तो 800 हिंदू है, 2 मुस्लिम है। अब तक कितने करा चुके हो हिंदू और मुस्लिम? देख बेटा, ये गिनती तो नहीं बता पाऊंगी, 10 साल की याद नहीं। मैं हर साल 2-3 एक भी हो, एक आध दो साल एक भी हुई है। अपनी जनसंख्या कितनी है मुसलमान की? 60-40 भी नहीं है बेटा, 25-75। हाँ, समाज को क्या संदेश देना? समाज के लिए यही संदेश है, न कोई काम बड़ा होता है न कोई काम छोटा होता है। दिल की धारणा होनी चाहिए सब।